दिल्ली और यूपी की हवा जानलेवा हो गई है। दिल्ली यूपी में प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो AQI का जो लेवल है वो 900 के पार पहुंच चुका है और यूपी में कई इलाकों में AQI का स्तर 1000 के पार पहुंच चुका है, यानी कि गंभीर से गंभीर स्थिति को भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पार कर चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली और NCR में जिस तरह से हालात खराब थे उसके बाद अब यूपी में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। जहां पर यूपी के कुछ अगर इलाकों की बात की जाए तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैमाना है वो 1000 के पार पहुंच चुका है। तो मुश्किलें ना सिर्फ दिल्ली और NCR के लिए भारी हैं बल्कि यूपी के लिए भी। कल हमने देखा था कि यूपी के लखनऊ और वाराणसी में किस तरह से हालात बेकाबू होते चले जा रहे थे, वहां पर 500 के पार AQI लेवल पहुंच गया था। लेकिन आज ये जो आंकड़ा है वो डबल हो गया है, 1000 के पास यहां पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है AQI का लेवल। तो दिल्ली और यूपी की हवा जानलेवा लोगों के लिए परेशानी वाली यहां पर बन चुकी है और प्रदूषण एकाएक दिन करके एक नए रिकॉर्ड को यहां पर बना रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 900 के पार पहुंच चुका है, वहीं यूपी में और भी ज्यादा बदतर हालात, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 1000 के पार पहुंच चुका है। तो दिल्ली NCR में जो बारिश हुई उसके बाद भी लोगों को कोई प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। शनिवार देर शाम दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से बारिश हुई थी, खतरनाक स्तर पर अब और भी ज्यादा प्रदूषण का लेवल पहुंच चुका है। आज सुबह भी यहां पर तेज बारिश हुई, कुछ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, लेकिन ये आंकड़े जो अब जाकर सामने आए हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल किस कदर बढ़ चुका है वो काफी चिंता बढ़ाने वाला है। तो दिल्ली यूपी की हवा जानलेवा हो गई है, प्रदूषण का लेवल रिकॉर्ड तोड़ चुका है AQI लेवल। दिल्ली की बात करें 900 के पार, वहीं यूपी में कई इलाकों में AQI लेवल 1000 के पार पहुंच चुका है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर 1822 स्तर को पार कर चुका है, वहीं गाजियाबाद में 1525, बुलंदशहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1183 और हापुड़ की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1462 पहुंच चुका है। हालात बेकाबू हो चले हैं, ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि अब जाकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गंभीर से गंभीर स्तर को भी पार कर चुका है। बागपत की बात करें तो यहां पर 1150 के आंकड़े को पार कर चुका है। तो ये आंकड़े बेहद ही भयावह है लोगों के लिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि अब शायद जिस तरह से सरकारें प्रयास कर रही हैं, जिस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं, शायद हालात आने वाले समय में सामान्य हो जाए, लेकिन फिलहाल ये हालात और भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं।